नमस्कार दोस्तों, अलंकार की सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। आज हम लोग दूसरा अलंकार करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग ई बेस और सी शार्प मिडल दोनों फ्लूट पर करेंगे। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ये जो अलंकार मैं करवा रही हूँ या मैं रिसाइट करूँगी, आप लोग उसको लिख लें तो मेरे लिए ज़्यादा ये सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए, सारे सारे गारे गामा गामा पामा पाधा पाधानी धानी सानी सारे सा, फिर अवरो सारे सानी सानी धानी धापा धापा मा पामा गामा गारे गारे सारे सा। एक हो गया ये और एक हो अवरो, दो होंगे इसके, ठीक है। सानी सा धानी धा पामा पा मा गामा गारे गा रे सारे सानी सा, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग करेंगे, पहले ई बेस पर करते हैं, ठीक है। फिर अवरोह, ये पहला जो अवरोह और आरोह सेम है, ठीक है। और दूसरा ये जो अवरोह है ये है, समझ गए, सानी सानी धानी धा पा धा, इस तरह से, ठीक है। अभी ये स्लो में मैंने बताया, फिर इसको थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, क्योंकि ये जो अलंकार है ये खटका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खटका में या फिर कहीं कोई थोड़ी हरकत जो देनी होती है ना, ऐसे प प ध नी, इस तरह से, ठीक है। सा छोटा सा, मतलब छोटा सा सा ऐसे, तो उस जगह ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप इसका रियाज अच्छी तरह करें कि उंगलियां एकदम फ्री हो जाएं, ठीक है। जितना फास्ट आप प्ले कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और फास्ट करेंगे तो देखें, वो दूसरे अवरोह के साथ, इसमें दूसरा अवरोह करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको फास्ट 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 करते हुए इतना फास्ट हो जाना चाहिए कि देखिए, ठीक है। इस तरह से इसको आप जितना फास्ट कर सकते हैं, आप और इससे भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं तो इससे ज्यादा फास्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं सी शार्प पर बताती हूँ आपको, मिडल फ्लूट पर, ऐसे स्लो में जब करेंगे तब इसको आप जितना फास्ट प्ले कर सकते हैं उतना फास्ट प्ले करेंगे, ठीक है। पहले लेकिन एकदम स्लो में रियाज करना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, रिदम आपके दिमाग में चलता रहे, जैसे सारे सारे गारे गामा गा, इस तरह से, या ऐसे नहीं होगा सारे सा रे गे, या फिर रे गे, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। एकदम इक्वल चलेगा, सारे
re sa re ga re ga ma ga ma pa ma pa dha pa. और सांस लेने का ऐसा है कि आप जैसे सा रे सा रे गा रे गा मा गा तीन में ले लें, लेकिन जैसे नोट के बीच में ना लें, जैसे सा रे के बीच में ना लें या गा मा, इस तरह से आप एक वो कंप्लीट कर लेंगे फ्रेज, जैसे सा रे गा रे फिर ले लें चाहें, और वो सांस भी आपको इतनी फास्ट लेनी है कि रिदम ब्रेक ना हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको सांस लेने की भी हैबिट साथ साथ में बनेगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीट में मतलब रिदम में होना और साथ में सांस का कंट्रोल रखना, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लूट के लिए, ठीक है? नहीं तो वो फिर ऑफ बीट हो जाएगी प्लेइंग। तो इस तरह से आप इसका रियाज करें, ठीक है? नमस्कार।